नमस्कार मित्रों, टेक्निकल पावर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक न्यू लॉन्च्ड फोन की अनबॉक्सिंग, जो कि आता है एमआई की तरफ से, एमआई का रेडमी नोट 5। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, इनेबल कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों, कुछ इस टाइप से आपको फ़ोन का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। बॉक्स के ऊपर आपको एमआई की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एक स्टिकर देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड और नीचे लिखा हुआ है रेडमी नोट 5 बाय शाओमी। और बॉक्स के बैक साइड में आपको कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। 5.99 फुल स्क्रीन डिस्प्ले, फ्रंट सेल्फी लाइट, 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 4000 mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर है जो कि है ऑक्टाकोर के साथ, 3GB रैम, 32GB इंटरनल, 4GB रैम, 64GB इंटरनल वाला आपको इसमें वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। जो 3GB रैम 32GB इंटरनल वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस आपको पड़ेगी 9,999 रुपीज़, और 4GB रैम 64GB इंटरनल वाले वेरिएंट की प्राइस आपको पड़ेगी 11,999 रुपीज़। तो कर लेते हैं फ़ोन को अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या मिलता है। सबसे ऊपर आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको एक सिलिकन केस दिया हुआ है जिसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, और उसके नीचे है रेडमी नोट 5, करते हैं साइड, और आपको कुछ यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाएगी, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। और एक दी हुई है डाटा केबल, सिम इजेक्टर टूल, एक पावर एडाप्टर, एडाप्टर रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी 2 एम्पेयर की, जो कि एक नॉर्मल चार्जर है। तो करते हैं इन सबको साइड और बात करते हैं फ़ोन की डिज़ाइन की। फ्रंट साइड में आपको 5.99 इंच की फुल व्यू स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है। ऊपर की साइड 5 मेगापिक्सल का कैमरा, उसके पास में दिया हुआ एयर पीस और उसके पास में दिया हुआ LED फ्लैश और कुछ सेंसर्स। बैक साइड में आपको मेटल बॉडी देखने को मिल जाएगी, 12 मेगापिक्सल का कैमरा, LED फ्लैश, उसके नीचे दिया हुआ फिंगरप्रिंट सेंसर, और नीचे की साइड आपको MI की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सामने से राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन देखने को मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि एक हाइब्रिड सिम स्लॉट है जिसमें आप डुअल सिम या वन सिम वन मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। फ़ोन के ऊपर की साइड में आपको 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा, उसके पास में दिया हुआ है कैंसिलेशन नॉइज़ वाला माइक, एक दिया हुआ IR ब्लास्टर जिसे आप अपना TV, AC, वॉशिंग मशीन कुछ भी आप कंट्रोल कर सकते हो। फ़ोन की बॉटम साइड में आपको चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और माइक देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से फ़ोन को कर लेते हैं ऑन और देखते हैं फ़ोन के अंदर इंटरनल फीचर्स क्या क्या देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली ऑन हो चुका है हमारा फ़ोन। तो कुछ इस टाइप से आपको फ़ोन का यूज़र इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, और फ़ोन के अंदर आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिल जाएगी, जो कि कुछ MI की खुद की ऐप्स है और कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स है। इसके अंदर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर और बारकोड स्कैनर वगैरह आपको प्री इंस्टॉल्ड में देखने को मिल जाते हैं, और इसमें आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट की ऐप्स भी प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिल जाएगी, और कुछ आपको Amazon, Facebook, Myntra, ये आपको ऐप्स इसमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको फ़ोन की सेटिंग की और फ़ोन के अबाउट सेक्शन में। तो इसमें दिया हुआ Android 7.1.2 नुगट, और इसका Android सिक्योरिटी पैच लेवल दिया हुआ है 1 जनवरी का। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको इसके फिंगरप्रिंट की और। तो फटाफट से मैं अपना फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेता हूँ और देखता हूँ कितना फास्ट ये अनलॉक हो रहा है। तो मैंने अपना फिंगरप्रिंट सेटअप कर लिया है, देख लेते हैं कितना फास्ट ये अनलॉक हो रहा है। तो आप देख सकते हो काफ़ी फास्ट अनलॉक हो रहा है, फिंगरप्रिंट की स्पीड काफ़ी फास्ट है इसकी, जो कि एक बढ़िया बात है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ स्पेक्स की और। तो रेडमी नोट 5 में आपको 3GB रैम, 32GB इंटरनल और 4GB रैम, 64GB इंटरनल वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा। ड्यूल सिम हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसमें 2 सिम या 1 सिम एक मेमोरी कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑक्टाकोर 2.0 GHz पे बेस्ड है। एड्रीनो 506 का आपको इसमें GPU देखने को मिल जाएगा। 5.99 इंच की 2160x1080 वाली फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर विद LED फ्लैश। रियर कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर विद डुअल फ्लैश। 4000 mAh की बैटरी, Android 7.1.2 नुगट, जो कि बेस्ड है MIUI 9 पे। बात करें इसकी प्राइस की, तो 3GB रैम 32GB इंटरनल वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 9,999 रुपये का, और 4GB रैम 64GB इंटरनल वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा 11,999 रुपये का।
तो चलिए बढ़ते हैं इसके कैमरे की ओर। तो बैक कैमरा आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर विद डुअल फ्लैश, फ्रंट कैमरा मिलेगा 5 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर विद LED फ्लैश। और आपको इसमें बैक कैमरे में और फ्रंट कैमरे में कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे लाइक पैनोरमा, टाइमर, ऑडियो, फोटो, मैनुअल मोड, फेस ब्यूटी, जैसे आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इस फ़ोन के कैमरे से लिए हुए फ़ोटोज़ के कुछ सैंपल्स मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ठीक ठाक है ये फ़ोटो बैक कैमरे से, फ्रंट कैमरे की सेल्फी 5 मेगापिक्सल कैमरे के अकॉर्डिंग ओके है। अगर इसे मैं कैमरा रेटिंग दूँ तो मैं इसे कैमरा रेटिंग दूंगा 5 स्टार में से 3.5 स्टार की, क्योंकि इसकी कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है, ओके है, इतनी खास मुझे लगी नहीं। आप खुद फ़ोटोज़ के सैंपल देख सकते हो। मित्रों एंड में बात करूँ मेरे ओपिनियन की तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। 10,000 की रेंज में फुल व्यू डिस्प्ले, 4,000 mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर दिया, वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। और सबसे बढ़िया बात इसकी मुझे फिंगरप्रिंट लगा, जो इसका फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्ट अनलॉक होता है। इस फ़ोन में मुझे कुछ कमी लगी थोड़ी बहुत, तो वो लगा इसका मुझे कैमरा, जो इसका कैमरा है वो ठीक ठाक क्वालिटी है, इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। अगर आपका कम बजट है 10,000 या 12,000 तो आप ये फ़ोन परचेज़ कर सकते हो। अगर आपका 14,000 तक बजट है या 17,000 तो आप इसका अपर वाला मॉडल ले सकते हो Redmi Note 5 Pro, क्योंकि उसमें कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और देखा जाए तो ओवरऑल फीचर्स वाइज भी वो थोड़ा एडवांस है। और अगर आपका कम बजट है तो ये आप फ़ोन ज़रूर से परचेज़ कर सकते हो। अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी बेस्ट बाय लिंक है, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। और मित्रों अगर आप राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हो तो मिर्चुमल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा विद बेस्ट प्राइस, और साथ में आपको कुछ शॉप की तरफ से गिफ्ट भी मिल जाएगा। या कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो मिर्चुमल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप चले जाइए, वहाँ से ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा।